नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। सांसद लक्ष्मी महतो की रिहाई मांग रखते प्रदर्शन काल के मुख्य प्रशंसा। जनकपुर धाम में नागरिक समाज सांसद लक्ष्मी महतो रेशम चौधरी लगायत मधेश आंदोलन के क्रम में राज्य लगने विभिन्न मुद्दा खारिज कर मांग रखते विरोध प्रदर्शन कलक। बुध दिन जनकपुर धाम लहान आ सिरहासा आयल नागरिक समाज के अगवा सब जनकपुर धाम के भानु चौक से लकर जनक चौक धरि विभिन्न बैनर सहित नारा लगबत विरोध प्रदर्शन कने सल। महतरी में प्रहरी थमन बिके हत्या भेल समय सांसद लक्ष्मी महतो वह समय में उपस्थित नहीं रहन आ राज्य महतो ऊपर झूठा आरोप लगाकर दोषी ठहन के ने नागरिक समाज के अगवा राम बरिझन यादव जिक्र कने सल। माननीय लक्ष्मी चौधरी कोईरी माथी जसरी झूठा मुद्दा लगाइयो त्यो झूठो मुद्दो को आधार बनाएर हमारा देश का अहंकारवादी मीडिया र सरकार ने जो ढंग को रवैया अपनाएको छ त्यसको विरुद्ध में हमी आज यो प्रदर्शन गरेका थौं। मूल त यो प्रदर्शन लक्ष्मी महतो कुनै अपराधी होइनन्। मधेश आंदोलन में अमन बिकलाई मार्ने मधेश आंदोलनकारीहरू थिए भन्ने कुरा हामी मधेश आंदोलनकारीहरू त गरे स्वीकार गर्छौं। तर मधेश आंदोलनकारीहरूबाट नै थुपन बिक मारिएको थियो भने हाम्रा रेशम चौधरी रोशन चौधरी राम विवेक यादव वीरेन्द्र बिच्छा अमित कापर पनि त ती प्रहरीद्वारा मारिएका थिए। अब ती प्रहरीद्वारा जुन मारिएका थिए तिनीहरू ती प्रहरीको त्यो प्रहरी पनि कुन थियो? प्रहरी थियो तपाईँको सिभिल डिफेन्सका प्रहरीहरू थिए। कुनै प्रहरी पोसाकमा भएको प्रहरीले हाम्रो राम विवेक यादवलाई वीरेन्द्र बिच्छालाई रोशन चौधरीलाई मारेको होइन, सिभिल डिफेन्सको प्रहरीले मारेको। यादव सांसद लक्ष्मी महतो रेशम चौधरी सहित मधेश आंदोलन के क्रम में विभिन्न मुद्दा लागर सबके रिहा कर एवं संपूर्ण मुद्दा फिर्ता लेब मांग राख कर विरोध जनाने जानकारी देने सलाह। मधेश प्रदेश सभा में निर्वाचित माओवादी केन्द्र के दुगोटे समानुपातिक सांसद पद तथा गोपनीयता के शपथ लेने साइन। बुध दिन नेकपा माओवादी केन्द्र सह समानुपातिक में निर्वाचित माला कर्ण आ मोहम्मद रजी हेदर पद तथा गोपनीयता के शपथ लेलन। प्रदेश सभा में सभामुख रामचंद्र मंडल दुनू गोटे के पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण करौने सलन। सर्वोच्च अदालत में दुनू गोटे विरुद्ध मुद्दा पड़लाक बाद दुनू गोटे के शपथ ग्रहण वह समय के लिए रोकल गया सल। सर्वोच्च के आदेश अलाक बाद दुनू गोटे के शपथ ग्रहण कराएल गल त कर्ण मैथिली आ हेदर उर्दू भाषा में शपथ लेने सल। चालू आर्थिक वर्ष के छः महीना में मधेश प्रदेश के विभिन्न जिला सब प्रहरी 9 करोड़ से बेसी के सामान बरामद कलक। आर्थिक वर्ष 2079-80 के पहल छः महीना में 9,03,38,622 रुपया बराबर के भंसार छली के सामान सब बरामद कैल गया। मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर धाम के प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सुमन कुमार तिमिर सिन्हा जानकारी दिलन। प्रहरी यह अवधि में 29 गोटे के नियंत्रण में समेत लेलक। नेपाल प्रहरी 8 जिला से भंसार छनी कक आनल गेल 3,87,64,82 रुपया बराबर के किराना के दोकान सामान 48,59,263 रुपया बराबर के विद्युतीय सामग्री 2,85,56,563 रुपया बराबर के सवारी साधन आ पाठ पुर्जा बरामद कने साल। अहिना लत्ता कपड़ा फैंसी तथा अन्य सामान में 1,81,58,714 रुपया बरामद बराबर के सामान सब बरामद कैल गया। मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर जानकारी दिलक। मंगल दिन संघीय संसद भवन नया बानेसर बाहर प्रेम प्रसाद आचार्य अपने से लगने आय के बाद हिनकर मृत्यु भेल घटना में राज्य जिम्मेवार रहित काठमांडू में प्रदर्शन कैल गल। युवा सब के एकटा समूह आचार्य आत्महत्या कर में राज्य दोषी रहल कहित प्रदर्शन कलन। सब गोटे आचार्य रखने मांग सब सरकार के पूरा कर पड़त सेहो जिक्र कलन। सब गोटे मैथी घर से लकर नया बानेसर धरि प्रदर्शन कने सन। प्रदर्शन में सहभागी युवा सब
देश में किछ केनाइ अपराध है, कमा कर खाई दू सरकार, प्रेम प्रसाद के आत्मा नहीं रह कर ई हत्या कैल गया जेहन नारा निकल प्ले गार्ड बोकने समय में। देखें बने आज भी अनुमति मैंने देखे मैं आज ले चाहिए यो राज्य सरकार को आरी को हत्या हो यो चाहिए राज्य को निकल में पहुंच हो वाले ने खुलवाए जा तर वहाँ ले आप ले लोकेटी लोकेटी तो ठेला हो सका तो सामान हो सका मोर में बातें बारे का शुक्र मैसी अलग लोकेटी रहो उन्हीं अर्थ में पास नहीं उड़ा आधार बंद का वाले काम न बने का चन जब नहीं उड़ा ले आज सड़क में बने का चन वहाँ जब मेरे व्यक्तित्व हुआ आज आह्वानमा उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँ सम्पूर्णलाई सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले छोटो समयमा क्रम हिजो एउटा झिल्को थियो, हिजो प्रेम प्रसाद आचार्य एउटा झिल्को थिए, आज सयौँ झिल्काहरू केस बानेश्वरको केस स्थानमा देखिएका छन्। त्यो झिल्कै सीमित रहने हो भने यो क्रान्ति सफल हुँदैन। त्युनिसियामा आज बिहान मैले स्टेटस राखेको थिएँ, म राजनीतिको विद्यार्थी हुँ, मैले अध्ययन गर्दा पढेको थिएँ, मोहम्मद फन्तिसीले ठेलामा व्यापार गर्दाखेरि मलाई दुःख दिएर मलाई अपमानित अपमानित गर्दाखेरि नगरपालिका अगाडि गएर उहाँले आत्मदाह गर्नुभएको थियो। त्यसपछि उहाँको राष्ट्रपतिले राजीनामा दिन बाध्य भएर त्यो झिन्को सल दिएर ट्युनिसियामा युवा सब परिवर्तन के शुरुआत कर नेता सब के सुझाव दे परिवर्तन कर नहीं सक रहा से तब पद छोड़ दो राय सुझाव से देने से लेन रैली नया बानी स्तर धैर्य एलाक बाद कौन सभा में परिणत भेल। खाने पानी मंत्री अब्दुल खान जिम्मेवारी पेने एक हफ्ता के बाद पद भार ग्रहण केने सायद मंत्री खान वो दिन दोपहर मंत्रालय पहुँच कर पदभार ग्रहण कलन पदभार ग्रहण करते मंत्री खान सबके सुझाव लग मंत्रालय के काज के प्रभावकारी बनाव जिक्र कलन। ओ स्वच्छ खाने पानी के अभाव से लाखों आदमी प्रभावित रहल कहते पानी के गुणस्तर परीक्षण कर काज के शुरुआत कर धारणा से हो रखने सलन। खाने पानी संबंधी समस्या सब समाधान के लिए कार्य योजना बना का काज कर हिंकर कहब रहा सर मंत्री खान नीतिगत से लग राजनीतिक अवरोध सबके रिपोर्टिंग कर निर्देशन दैत अपन काज के ईमानदारिकता पूर्वक कर से हो निर्देशन दिलन। लाखों मानस इस प्रभावित होस कारण यह पानी को गुणस्तर चाहे चेक करना को निम्ति हम से समिति सानो समिति सानो एकाई होना आवश्यक हस्पिटल देखि लीर तो सरकारी कार्यालयहरू प्राइभेट कार्यालयहरू जहाँसुकै पनि यसको जति बेला पनि एयरपोर्टदेखि लिएर अन्य सबै ठाउँमा चेकअप गर्ने गुणस्तर मापन गर्ने र तुरन्त एक्सनमा गएर खाने पानीबाट हुने समस्या एकदम समाधान गर्ने यो कुराहरूको उस 11 गते जनमत पार्टी सब बिना विभागीय मंत्री बनन खान के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड माघ 3 गते खाने पानी मंत्री में नियुक्ति केने छलनि मुदा पूर्व सहमति अनुसार आपूर्ति मंत्रालय नहीं पेने कहित ओ खाने पानी मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण कर नहीं माने छलनि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कांग्रेस अपना सरकार में जनई के विकास आ लोकतंत्र कह रहा टिप्पणी केने छथि। वो दिन ललितपुर के च्यासल स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित अनुशिक्षण कार्यक्रम में जिक्र करते अध्यक्ष ओली कांग्रेस भीतर देश के विकास के लिए कोनो छलफले नहीं रहल कहित कांग्रेस अपन सरकार में जनाए विकास आ लोकतंत्र रही रहल जिक्र कलन। कांग्रेस के महाधिवेशन से समेत स्पष्ट विचार तय कर नहीं सकल आरोप लगवैत ओली पदाधिकारी छाना मात्रे कांग्रेस केन्द्रित रहल उल्लेख कने छलन। ओली कांग्रेस नेतृत्व के सरकार देश के विकास कर नहीं सकल आ अर्थतंत्र के समेत ध्वस्त क देने जिक्र कलन। ओ किछ सामाजिक असंतुष्टि के उपयोग क खेलने खोलल गेल पार्टी सब मौसमी पार्टी रहल से हो तर्क कने छलन। मौसमी प्रकार के पार्टी सब स्थानीय नहीं रहत आ इस सब गोटे देश के विकास से हो नहीं करत ओली के कहब रहल अछि। महाधिवेशनमा कुनै दस्तावेज पेस भए महाधिवेशनमा देशको अवस्थाको बारेमा चर्चा भएन। महाधिवेशनमा अब समस्या के छन् त समाजका
जनताका समस्या के छन्, राष्ट्रले भोगिरहेका समस्या के छ, राष्ट्रियता सम्बन्धी प्रश्न के हो, लोकतन्त्र सम्बन्धी प्रश्न के हो, जनजीविकाका स्वभाव, रोजगारीका अवसर, अर्थतन्त्र, उत्पादन उत्पादकत्व वृद्धि। अध्यक्ष ओली उद्देश्यमै संगठित रहल पार्टी एमाले मात्र भेल दावी कयलनि। ओ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल के नारा के साकार गर्न लेल एमाले मात्र काज करत स्पष्ट कयने समय। टुडे समाचार में अब आर्थिक सम्बन्धी समाचार। आज नेपाली बजार में सोन के दाम घटल। नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार सोन तोला के 100 रुपया से घटल। आई छापावाल सोन के दाम 1,06,200 रुपया में कारोबार भ रहा है। पीतल कारोबार मंगल के 3 सोन तोला के 1,06,300 रुपया में कारोबार भेल। तेजाबी सोन के दाम 1,05,700 रुपया निर्धारण कैल गल। चांदी के दाम आई स्थिर रहल। चांदी आई तोला के 1,365 रुपया में कारोबार भ रहा महासंघ जानकारी दिलक। बेस्त टुडे समाचार अखन के लिए एतबा। कोनो दोसर समाचार लग उपस्थित होविटा करब। तखन देर के लिए हम सपना विदा मांगे छी। देखते रहू टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।